राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बोले, यूपी में व्यापारी वर्ग को बनाया जा रहा निशाना। पिछले 15 दिनों में अपराध के क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद अब राजनीतिक दल प्रदेश की योगी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने 13 जनवरी को कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के समधी की हुई हत्या के बाद परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस दौरान जयंत ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैसे तो इस तरह के अपराध रोज निकल के सामने आ रहे हैं प्रदेश के कई कोनों से, हर जिले से आती है, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी का परिवार है ये और वो एक मंत्री हैं, सीनियर पॉलिटिशियन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस तरह से ये जो वारदात है ये अत्यंत गंभीर और इससे असुरक्षा की भावना दूर तक जाती है। मथुरा में विशेष तौर से क्योंकि अगर देखा जाए व्यापारियों के साथ लूटपाट के जो प्रकरण हुए हैं, चाहे कोसी में हो चाहे मथुरा शहर में हो, वो भी जो है बहुत चर्चित है। हाल में ही अभी यहाँ गैस एजेंसी उस पर भी जो गोलियाँ चल रही, तो ये दायित्व बनता है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं और पीछे चला था कि डीएम जो है क्राइम की मीटिंग को लेंगे और परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा, एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाया है, तरह तरह के दावे जो है सरकार ने किए, लेकिन ये सब खोखले साबित हैं। अभी कुछ दिन पहले कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? आंकड़े देख लीजिए, मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम इनकाउंटर कर रहे हैं, अपराधियों को मार गिरा रहे हैं, इससे कोई परिणाम तो नहीं निकल रहा है। मर्डर भी उस पिछले सरकार के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हो रहे हैं, किडनैपिंग के मामले, लूटपाट के मामले, हर चीज़ में बढ़त है। सरकार को सोचना होगा पुलिस बल का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, उनको सशक्त कैसे किया जाए, प्रशिक्षित कैसे किया जाए। जो राजनीतिकरण है पुलिस तंत्र का, जो एक अनावश्यक दबाव लोग बनाते हैं, जो भ्रष्टाचार है पुलिस फोर्स में, उसको आप टैकल कीजिए। पुलिस भर्तियाँ आपको सही समय पर करनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों वैकेंसीज हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ नहीं आ गई वो अलग है, थाने और चौकियों की हालत क्या है, और जो आदमी रिपोर्ट लिखाने जाता है उसका आज भी शोषण होता है। पुलिस मनगढ़ंत जो है दबाव बना के किसी आम आदमी को भी अगर दबोचना चाहे तो अपने झांसे में ले लेती है। तो कानून का राज स्थापित करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएँ जो हैं दुरुस्त होनी चाहिए।